अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इस वक्त दुनिया का मिजाज कुछ ऐसा है कि जिसे देखकर लगता है कि चीन आज भला चंगा तो है लेकिन कल तक रहेगा या नहीं, ये कहा ही नहीं जा सकता। उसके पीछे का कारण है चीन की दुनिया भर के देशों से दुश्मनी, और जो बचे हुए चीन के अपने दोस्त हैं वो कब पराया हो जाएं, ये कहा ही नहीं जा सकता। कारण चीन की खुद की हरकतें। अब भारत से भिड़ने के बाद, क्वाड से लड़ने के बाद, अमेरिका से उलझने के बाद, यूरोप को लेकर भी चीन सही रास्ते पर नहीं है। तभी तो G7 के बाद नाटो का भी गुस्सा चीन के खिलाफ दिखने लगा है। नाटो ने तो साफ साफ और सधे हुए भाषा में कह दिया है कि चीन का आक्रामक व्यवहार एक गंभीर चुनौती है, और ये सब कुछ कहा सुना गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में। बाइडेन ने भी यूरोप की रक्षा को अमेरिका की पवित्र जिम्मेदारी करार देते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका है तब तक यूरोप का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नाटो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाइडेन ने कहा है कि चीन हमारा अच्छा व्यापार सहयोगी भी नहीं बन पाया, इसके चलते नाटो के सदस्य देशों ने उसे साजिशों वाला प्रतियोगी करार दिया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि चीन बाल्टिक सागर से लेकर अफ्रीका तक अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, इसलिए नाटो को अब सतर्क हो जाना चाहिए। चीन हमारे नजदीक आता जा रहा है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी। हमारे देशों में भी चीन बड़ा निवेश कर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि चीन दूर संचार और बंदरगाहों के विकास जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है, हमें मिलकर उसे जवाब देने की भी जरूरत है। नाटो महासचिव ने यूक्रेन के नजदीक रूसी सैन्य जमावड़े पर भी चिंता जताई है। ईयू समिट में आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि बीजिंग के साथ रिश्ता रखने में खतरा और फायदा दोनों है, ये हम सभी को दिमाग में रखना चाहिए। नाटो में 30 देश शामिल हैं, जिसमें लगभग सभी यूरोपीय देश हैं। इससे पहले G7 देशों ने शिनजियांग में मानवाधिकार और हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को कुचलने और श्रमिकों की बुरी दशा को लेकर चीन को बहुत भला बुरा कहा था। लंदन स्थित चीनी दूतावास ने इस पर विरोध भी दर्ज कराया। उसने कहा कि अमेरिका और कुछ अन्य देशों का ये गलत आकलन है, चीन का बढ़ता कदम इन देशों को हजम नहीं हो रहा। लेकिन दुनिया जानती है कि चीन अपनी हरकतों के कारण ही बदनाम है, उसे लेकर किसी भी देश को कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।